सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे चैप्टर 14 अर्थात पाठ 14। इसमें क्या है? र के रूप। हम सबने र अक्षर सीखा है ना। एक बार फिर से देखते हैं कैसे। र से रथ, र से रबड़, र से रोटी, गोल गोल रोटी, र से रात। तो ये हमारा होता है र अक्षर, ठीक है। लेकिन इस पाठ में हम र के अलग अलग रूपों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि र के और कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए, रेफ, आज हम पढ़ेंगे रेफ। रेफ क्या होता है? रेफ का जो चिन्ह होता है, जो मात्रा होती है, वो इस प्रकार से लगी होती है। किसी भी अक्षर के ऊपर गोलाई देते हुए रेफ लगाते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें रेफ लगा है। पार्क, पर्वत, नर्तक, सूर्य। बच्चों, ये जो र होता है, ये र का दूसरा रूप होता है, अर्थात जिसको हम रेफ कहते हैं। और ये इसकी तरह होता है, जैसे आप छोटी ई की मात्रा लगाते हैं ऐसे घूमते हुए, ये इसी प्रकार से लगाया जाता है। इसको हम कैसे पहचानते हैं? जब हम इसको शब्द में प्रयोग करते हैं, जब हम शब्द बोलते हैं, तो ये बहुत ही आराम से बोला जाता है। जैसे पार्क, पर्वत, नर्तक, सूर्य। ओके, यहां देखिए, अब कुछ और शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कर्म, धर्म, गर्व, दर्प, सर, सर्प अर्थात सांप, कार्य, पर्व, मार्ग, पर्यटक, पर्यटक अर्थात जो घूमने लोग जाते हैं, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है। अब यहां देखिए, ये म के ऊपर लगा है, तो कर्म, कितना आराम से बोला जाने वाला शब्द है। कर्म, धर्म, गर्व, दर। तो आपने देखा कि ये जो रेफ होता है, ये अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। चलो, अब हम इसका र का तीसरा रूप पढ़ते हैं। सबसे पहला रूप हमने क्या पढ़ा? र का सरल रूप, जैसे र से रथ, र से रस्सी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा रेफ, जो किस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार की मात्रा से। आप अपनी किताबों में देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि रेफ कैसे लगता है, अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, पदेन। इसको बोलते हैं पदेन। इसको पदेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किसी भी अक्षर के नीचे उसके पैरों के पास लगता है, ठीक है। देखिए, जैसे ब्रश, ग्रह, ट्रक, ड्रम। अब हम दोनों में अंतर समझते हैं बच्चे, किसमें? हम रेफ में और पदेन में अंतर समझते हैं। रेफ जो होता है, वो अक्षर के ऊपर लगता है, और जब हम इसको बोलते हैं तो ये बहुत ही आराम से बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कर्म, धर्म, इसका जो साउंड होता है, इसका जो स्वर होता है, बहुत ही आराम से निकलता है। लेकिन ये जो पदेन होता है, इसको हम कैसे, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ब्रश, ग्रह, ट्रक, ड्रम, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है? उसको हम बहुत ही आराम से, सरल भाव में बोलते हैं, और ये थोड़ा झटके के साथ और एकदम से बोला जाने वाला शब्द होता है। जैसे हम कुछ और शब्द देखते हैं, क्रम, ट्रेन, व्रत, ट्राम, प्रतीक, ड्रेस, प्रकाश, राष्ट्र। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो आप भी इसको बार बार दोहरा के इसको याद करेंगे। चलिए, आइए हम लोग र के अलग अलग रूपों को इस अनुच्छेद में पढ़ते हैं। मेरी मेट्रो, मेट्रो ट्रेन तो सभी जानते हैं, मेट्रो ट्रेन में आप सबने देखा भी होगा, है ना। मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ। अब मेट्रो में देखो कौन सा लगा है, रेफ लगा है या पदेन लगा है? शाबाश, पदेन लगा है, क्योंकि ये अक्षर के नीचे है और रेफ कहाँ लगता है? अक्षर के ऊपर। वहां क्रम से चढ़ना पड़ता है, मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति की सूचक है। मेट्रो में हम धर्म तथा जाति का फर्क नहीं करते। मेट्रो में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, कभी ऊंची मूर्ति के सामने से,
तो कभी सड़क के नीचे से, इसमें धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। बच्चों आपने देखा यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं जिसमें र अलग अलग रूपों में आया है, ठीक है। जैसे रोज में र सरल रूप में आया है, मेट्रो में र पदेन रूप में आया है, और इसी प्रकार से मार्ग में ग के ऊपर देखिए क्या लगा है, रेफ लगा है। तो बच्चों आपको इसका अभ्यास बार बार करना होगा, ये आपके लिए चीजें नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज हमें आ जाती है। ये जो अनुच्छेद है इसमें कितने शब्द हैं जो सरल र वाले हैं, कितने शब्द हैं जो रेफ वाले हैं, और कितने शब्द हैं जिन पर पदेन लगा है, आप उन सबको अलग अलग लिखकर दिखाएंगे। थैंक यू।